तो गाइस आपको मैं दिखाने वाला हूँ आज मेरा गाड़ी में क्या क्या काम हुआ था। तो चलो गाइस वो आपको पहले हम दिखा देते, उसके बाद और कुछ बातें होगा। तो ये है मेरा करिश्मा बाइक। तो इसमें मेरा बहुत सारा काम था, आप लोगों को शायद से शॉर्ट वीडियो में पता चल गया होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे जो क्लच प्लेट लेते हैं ना, क्लच प्लेट पर काम था, चार्जर होता है एक बाइक का, चार्जर खराब हो चुका था, चार्जर का काम था, पावर फिल्टर ख़राब हो चुका था, पावर फिल्टर भी मैंने चेंज कराया, मोबिल चेंज कराया है उधर गाड़ी में, और भी बहुत सारे काम करवाए हैं। जैसे कि हमारे जो मीटर है ना, यहाँ पर कोई भी करंट नहीं आ रहा था, मतलब कौन सा भी मीटर नहीं चल रहा था, ठीक है। तो इसके लिए पूरा वायरिंग का काम था वो करवा चुके हैं हम। अभी भी थोड़ा गाड़ी में प्रॉब्लम है, बट जो पिकअप प्रॉब्लम था वो कट चुका है। अभी बहुत अच्छा पिकअप रिस्पॉन्स आ चुका है इसमें, तो बहुत ही तगड़ा भाग रही है अभी। तो आपको मैं इसी वीडियो में मोटर ब्लॉगिंग भी दिखा दे रहा हूँ। तो आपको मोटर ब्लॉगिंग दिखाना है तो मेरे कंटिन्यू करना होगा इस वीडियो को। तो चलो हम मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर आते हैं। तो गाइस मैंने जैसे आप लोगों को बताया था मैं मोटर ब्लॉगिंग भी इस वीडियो में दिखा दूँगा, तो इसीलिए आ चुका हूँ मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो जा रहे हैं हम अभी कोनेक्सेस से हुए होकर, तो यहाँ से हम अभी जाएंगे थोड़ा ही दूर पर एक मेडिसिन स्टोर है अच्छा, तो वहाँ पर हम जाएंगे, उनको थोड़ा उसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है। और गाइस सब लोगों को तो पता ही है मिडिल क्लास फैमिली से डिस्काउंट जिधर हम उधर, इसलिए चल रहा है अभी उधर जाते। तो मैंने सोचा वहाँ पर भी थोड़ा सा वो मेडिसिन भी लेना है, मेरा मोटो ब्लॉग भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को थोड़ा सा ही होके रुक गया था, मैंने मोटो ब्लॉगिंग नहीं किया था उस दिन से। तो आज सोचे चलो मोटो ब्लॉगिंग भी शूट कर लेते, इसीलिए आ चुके हम मोटो ब्लॉगिंग सेटअप पर। तो देखो गाइस यहाँ पर जो थंबनेल था वो मैंने ऐसे ही लगा दिया था जिससे व्यूज आए, ठीक है ना, वो क्लिक थ्रू रेट बोलते ना, वॉइस के लिए कुछ भी नहीं हुआ था गाइस यहाँ पर, साइड से मैं निकल गया था, उतना कुछ बड़ा बात नहीं हुआ था यहाँ पर। तो जा रहे हैं अभी सामने में और ज़्यादा तो दूर नहीं है। तो मेरे गाड़ी में जो जो प्रॉब्लम था वो तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये सब जो प्रॉब्लम था ये इस गाड़ी में आता रहता है, और इसका बहुत मेंटेनेंस कॉस्ट हाई है भाई, बहुत हाई इसका मेंटेनेंस कॉस्ट। इसमें मेरा अप्रॉक्स 7000 का चूना लग चुका है, तो इसका पार्ट्स नहीं मिलता ना, ये बहुत रियर बाइक है, क्योंकि ये अभी डिसकंटिन्यू हो चुका है, इसलिए इसका पार्ट्स कहीं पर नहीं मिलता। बहुत दिनों के वेट करने के बाद इसका पार्ट्स आता है। अभी भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम है इस बाइक पर, उसके लिए मैंने पार्ट्स ऑर्डर किया है, देखते कितने दिनों के बाद वो आता है, मैं लगा के वीडियो बनाऊंगा कि नहीं पता नहीं। तो कैसे हम आ चुके हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।